Hey guys, hello and welcome back to my video. This is Samriddhi Gupta and I'm in class 11th. This video's topic is vision problems. There are three types of vision problems. First is myopia, second is hypermetropia, and third one is presbyopia. Myopia I have explained in my previous lecture. In this lecture, we will talk about hypermetropia. Presbyopia I will explain in my upcoming next lectures. Let's start with hypermetropia. Hypermetropia को हम लोग far sightedness भी कहते हैं. Far sightedness नाम से ऐसा लगता है कि जैसे इसको ये problem है, उसकी जो दूर की eyesight है वो weak होगी. लेकिन नहीं, ये भी myopia की तरह बिल्कुल इसके opposite होता है. इसमें जो दूर की eyesight होती है वो कुछ ठीक होती है और जो पास की eyesight होती है वो weak होती है. अब इसमें जो हमारी eyes होती हैं जिनको hyper मेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है, उनका जो नियर पॉइंट होता है वो कुछ आगे बढ़ जाता है. यानी कि जो हेल्दी आइज़ का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर्स, उससे कुछ दूर आगे चला जाता है. यानी कि अगर हाइपरमेट्रोपिया जिसको हुआ है, उसकी आइज़ से अगर उसे कुछ देखना है तो उसे 25 सेंटीमीटर्स या उससे और दूर पर ऑब्जेक्ट्स को रखना होगा. अब देखते हैं नियर पॉइंट ऑफ फार साइटेडनेस. ये कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है और उसको फार साइटेडनेस जिस आई को हुआ है वो अगर उसे देख रही है, तो जब ऑब्जेक्ट से आई पर रिफ्रैक्शन होता है, ये रेज एक्चुअली दिखती नहीं है बट ये रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, ये इनविजिबल होती हैं रेज. और अगर मान लेते हैं इस पोर्शन में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ये जो डॉट है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और हमारी आई अगर इसे देख रही है, तो यहाँ पर इमेज होगी वो ब्लर बनेगी और यहाँ पर उसे दिखाई नहीं देगा, एकदम ब्लर होगा. अगर हम ऑब्जेक्ट उठा के थोड़ा दूर कर देते हैं, नियर पॉइंट वाले पोर्शन से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारी जो वो ये जो पॉइंट है यहाँ थोड़ा दूर हो जाता है, तब उसे कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है. जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसकी आई को थोड़ा दूर करने पर, यानी कि नियर पॉइंट से दूर हटाने पर कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है. अब कि ये बात करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया जिसको हुआ है उसकी आई पर इमेज कैसी बनती है. एक नॉर्मल आई में इमेज तो रेटिना में बनती है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम जिस भी आई में हुई है उसकी जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना के जस्ट पीछे बनती है. देख रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया. जब हाइपरमेट्रोपिया वाली आई किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, अगर वो नियर पोर्शन में रखा होता है, क्योंकि उसकी आईज वीक है, तो नियर पोर्शन में रखे हुए ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन कराने पे ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के जस्ट पीछे बनेगी, बहुत पीछे बनेगी, और इमेज जो होगी वो बिल्कुल ब्लर बनेगी, दिखाई साफ नहीं देगी. अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा दूर कर देते हैं, तो जो इमेज है रिफ्रैक्शन होके इमेज थोड़ी हमारी रेटिना के आसपास बन सकती है, बट एग्जैक्ट रेटिना पे नहीं बनेगी. अब इसमें और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर इसमें हमारे आईज़ का जो आई बॉल्स होते हैं वो उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और जो फोकस डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. यानी कि फोकस जो होता है वो डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोकस बढ़ता जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोकस भी कम होगा. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, और सजेशन के बाद अगर जिस भी डायोप्टर के पावर का वो कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, उसकी मदद से स्पेक्टिकल्स बनवा कर हम उसे पहन सकते हैं और इसका सॉल्यूशन हो जाता है. अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के यूज से हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन. अगर यहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा है और इस बार रिफ्रैक्शन कराने से पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, तो रिफ्रैक्शन कराने के बाद जो इमेज बनती है वो यहाँ रेटिना पर बनती है, ये पोर्शन रेटिना कहलाता है हमारा. और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूर भी रहेगा तो भी हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे ही बनेगी ऑब्जेक्ट की. सो आपने देखा कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ से जो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम थी उसे दूर किया जा सकता है. तो सो गाइज, आई होप यू गाइज विल लाइक दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.